गुफा के अंदर देखो अच्छी अच्छे मार्बल का प्रयोग किया गया है। हम लोग जा रहे हैं जासूसी करने, इधर हो गया उधर, मौसम खतरनाक हो रहा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। एंड आज का एपिसोड वैसे घर से शुरू हो रहा है, बट मैं अभी मेरा मुंह नहीं धोया हूँ, बज रहे हैं सुबह के 8। एंड मौसम देख के आपका दिल गार्डन गार्डन होगा, क्योंकि आज का मौसम कुछ खतरनाक है। एंड मौसम मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ भाई, ये देखो। आजकल हमारे गाँव में बरसात की मात्रा बढ़ती जा रही है और आंधियाँ लगातार आंधियाँ आती जा रही है। एंड देखो, सुनिए अपनी आवाज, सुनिए ना अपनी आवाज, आई होप आपको मेरी साफ आवाज सुनाई दे रही हो, क्योंकि हवा चल रही है पीछे से। एंड अभी मौसम खतरनाक हो रहा है, पहले खेतों की तरफ चलेंगे क्योंकि उधर का मौसम देखेंगे। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी मैं उठा हूँ जस्ट, एंड ये मुंडा कितना सोना है भाई। मौसम खतरनाक हो रहा है, हमारे पेड़ जो भी थे ये हरे हो गए वापस से, इनके पत्ते जड़ गए थे। और मैं भी अभी भाई जा रहा हूँ खेतों की तरफ, तो मिलते हैं उधर चल करके, एक प्यारी प्यारी सी रील वील शूट करेंगे। बूंद वैसे तो आ रही है थोड़ी थोड़ी, बट फिर भी चलते हैं, बाहर निकलना जरूरी है। एंड मैंने बाल कटवा लिया, सफा सट करवा लिया ऊपर से, क्योंकि भाई जो प्रॉब्लम थी आपने शायद देख लिया कि क्या हुआ था हमारे साथ, बट कोई ना, चलो छोड़ो उसको। मुझे ना इसका एक प्यारा सा सिनेमेटिक बनाने को थोड़ा दिल कर रहा है। अभी मैं ना टॉप पे जाकर के भाई सिनेमेटिक वीडियो शूट करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि आप देखो अपनी हवेली पे से देखो, तुम सीन देखो यहाँ से गांव के भाई, कितने प्यारे प्यारे सीन है भाई। मतलब मौसम ना चारों तरफ से साफ होता जा रहा है, मतलब साफ तो नहीं बोल सकता मैं इसे, बट सुहाना मौसम बोल सकता हूँ, क्योंकि देखो भाई बदल हमारे सिर के ऊपर है एंड हवा आ रही है। आई होप आपको आवाज साफ सुनाई दे रही है। एंड देखो भाई यहाँ पर आकर के ना मेरे दिल हवा फिर भी चली रही है, सीन देख लो आप, खतरी है ना, बहुत शानदार नज़ारा है यहाँ से। बट एक प्यारा सा सिनेमेटिक चेकआउट करो, क्योंकि मेरा गांव इतना सुंदर है कि मेरा दिल करता है कि यहाँ पर मैं पूरी शूटिंग कवर कर लूँ, एक फिल्म बना दूँ। बट कभी सक्सेस होंगे तो बना देंगे कुछ ना कुछ। पहले आप एक प्यारा सा सिनेमेटिक चेकआउट फिर दिखाता हूँ आपको, कि अपन उधर चलेंगे खेतों की तरफ चलेंगे, क्योंकि मेरा दिल ना सिर्फ उधर चलने को करता है, क्योंकि वहाँ पर भाई सड़क पे ना बिल्कुल खुला है एंड अच्छे अच्छे वीडियो शूट होंगे एंड घूमने को भी मिलेगा। यहाँ पर ज़्यादा घूमता नहीं, क्योंकि यार घूमूँ तो क्या ही, बचाई क्या है यहाँ पर घूमने के लिए, बस अंदर घूम लो फिर वापस रूम में चलो, वैसा ऐसा कुछ नहीं है। देखो आप क्यों साफ मौसम, आईफोन का यही तो फायदा है, जूम कर करके अच्छे से दिखा सकते हो आप। और मैं बताऊँ गाइस, हमारी ये वाली जो गली है ना, ये पूरी गंदी है, इसमें ना सरकार ने सड़क नहीं बनाई है, सड़क निर्माण कार्य नहीं हुआ है यहाँ पे, पता नहीं क्यों ही नहीं हुआ, बट नहीं हुआ, इसका मुझे कारण पता नहीं बजट पास नहीं हुआ था या क्या नहीं हुआ, बट मैं कुछ नहीं कर सकता। तो चलो देखो, तेरे बिन नींदरा मेरी मुरझाइया प्यार करके दस केड़ी कितियां कमाइया, हाँ कमाइया, आजा मुड़िया मार दिया मैनू मैं जुदाइया जुदाइया, आजा मुड़िया मार दिया मैनू मैं जुदाइया जुदाइया। हम दोनों जा रहे हैं जासूसी करने, इधर हो गया उधर, जासूस खतरनाक हम, बट मुझे शायद ऐसे करके व्लॉग शूट करना चाहिए, मैं ऐसे करता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि फिर नीचे से ना बताऊँगा नहीं क्या होता है, बट मैं ऐसे करके करूँगा। तो अभी आप लोग देख लो, यहाँ हमारी अब
सुबह के बज रहे हैं 9 एंड अब आए हैं नल पानी के भरने के लिए, तो चलो भरते हैं। एंड पता नहीं यार खेतों में जाने का प्लान ड्रॉप हो चुका है या क्या, मैं फर्स्ट टाइम मेरे ये हैंड फ्री है क्योंकि मैं इस हाथ से मतलब राइट हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ हूँ एंड लेफ्ट हाथ से डिटेलिंग कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ वैसे छिस छिस मैं हैरी पॉटर बन जाता हूँ कभी कभी। बट अभी ना मेरे बाल थोड़े गंजे हैं इसीलिए मैं ना जो ज़्यादा कुछ भी नहीं करता, ज़्यादा कुछ क्या ही करूँ, मुझको शर्म आती है क्योंकि मैं एक वैसे ही मेरे बाल बहुत ज़्यादा वाइट है एंड मैं टकला हो चुका हूँ, वैसे मेरे को ना अजीब लगता है, तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ इन दिनों, मैं चुपचाप पड़ा रहता हूँ। अभी मैं तौलिया मेरे सांपा बांध के मैं भी व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो ज़्यादा कुछ भी फर्क नहीं है, मौसम खतरनाक है एंड मौसम खतरनाक हो रहा है। मैंने एक दो सिनेमेटिक आपको दिखा दिए हैं तो आप देख करके संतुष्टि कर लो वैसे तो, एंड अभी उधर चलेंगे तो आपको और खतरनाक सीन देखने को मिलेगी। मौसम वैसे सेक्सी हो रहा है आज, सच्ची बोल रहा हूँ, दिल मेरा गार्डन है। आपको भी थोड़ी थोड़ी वाइब्स आ ही रही होगी एंड आपके घर पे भी मतलब आपके गांव में भी शायद ऐसा मौसम हुआ होगा पहले, पता नहीं। बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है भाई, गर्मियों के दिनों में सर्दी पड़ रही है, मतलब गर्मियों के दिनों में बरसात आ रही है, क्या ही करूँ, मतलब बहुत खतरनाक सीन। सुबह 9 बजे से सो रहे हैं एंड ये देखो तो सुबह 9 से एंड अभी तक मैं सोया था 3 बजे तक एंड ये शूट कर रहा हूँ मैं फ्रंट कैमरे से फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं ना बैक कैमरे से शूट करना पसंद करता हूँ। तो अभी मेरे सिर में दर्द हो रहा है क्योंकि आज मैं 9, 10, 11, 12, 14, 15, 6 घंटे प्लस सोया हूँ, तो बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है एंड मेरे सिर में क्या ही दर्द होगा, क्योंकि भाई देखो तुम्हारा भाई इन दिनों में पूरा रजनीकांत बना हुआ है एंड फ्रंट में जब भी आप व्लॉगिंग शूट करते हो तो आपका ध्यान कैमरे की तरफ ना जा करके आपके फेस की तरफ जाता है कि आप कैसे क्या रिएक्शन कर रहे हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यदि व्लॉगिंग कर रहे हो तो आप फ्रंट कैमरे से ना करते हुए बैक कैमरे से करो। एंड गया नहीं मैं कहीं पर भी घूमने क्योंकि मौसम में परिवर्तन देखने को मिला एंड बरसात का मौसम था सुबह एंड अब वो तब्दील हो गया गर्मी के मौसम में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, ये पता नहीं क्यों ही बात भर के सोता है मेरे। देखो हालत देखो इसकी खतरनाक वाली हो रही एंड मेरे सर में यहाँ पे दर्द हो रहा है, मेरे बहुत ज़्यादा वाइट बाल हो गए हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, बट क्या ही करूँ मेरे ये दिन बहुत ख़राब जा रहे हैं, मुझे खुद को पता नहीं थी क्योंकि मेरा काम में मन नहीं लग रहा है। एक बार आपको मौसम दिखाता हूँ भाई, सुबह कितना भयंकर बारिश वाले मौसम था एंड सुबह बारिश हो भी रही थी और अब गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप आ रही है, पता ही नहीं क्यों, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ब्लॉग सॉरी चलो मौसम दिखाता हूँ, देख लो भाई मौसम ने मतलब अपने जज्बात बदल ले, कुछ देर पहले खतरनाक मौसम था एंड अभी देखो बिल्कुल क्लियर है भाई, कहाँ तक भी आपको एक बदल देखने को नहीं मिलेगा, बट क्या ही कर सकते हैं भाई, ये मौसम के अपने खुद के निर्णय हैं, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता एंड बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, पसीने आ रहे हैं, गर्मी की मात्रा वापस बढ़ चुकी है एंड ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बट हमारे जो यहाँ पर भाई देखो ये सीन ना कुछ खतरनाक है, कभी मौका मिलेगा तो चलेंगे यहाँ पर भी, बट बारिश के दिनों में ज़्यादा मज़ा आता है घूमने में, अभी तो भाई बहुत ज़्यादा धूप आ रही है, ज़्यादा कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है भाई, देखो बहुत ही खतरनाक वाली धूप आ रही है, देखो यार सुबह कैसा मौसम था एंड अभी देखो कैसा मौसम है, देख रहे हो तो क्या है, तो ये सीन चल रहा है अभी, गर्मी मतलब कभी बरसात आ रही है कभी सर्दी लग रही है, सुबह सच में मेरे को बहुत ज़्यादा ही सर्दी लग रही थी बट अभी गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा एंड सिर में दर्द हो रहा है, मुझे दवाई तो मिली नहीं है बट चाय मिल गई है, मैं इसे पी करके देखता हूँ। कुछ भी पता नहीं यहाँ, मैं देखो कितने सारे पंडित आए हुए हैं, देखा मंदिर है सामने,
यार ये ना हमारे गांव से बहुत नज़दीक है, बट हमें कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। हम इसे हनुमान जी का मंदिर बोलते हैं, ज़्यादा कुछ हमें डिटेलिंग से पता नहीं है, बट यहाँ पर सभी देवताओं की मूर्ति लगाई गई है। पता नहीं क्यों सभी का है मंदिर, और नाम से हनुमान जी के मंदिर से किया जाता है। खतरनाक मंदिर है वैसे तो, मतलब वैसे क्या कई खतरनाक, बहुत खतरनाक दिखा था पूरा। बेस्ट मंदिर है भाई। मंदिर से बाहर निकलते हैं आपको देखो भाई कितने सारे लोग हैं, यहाँ पर ये बगीचा मिनी बगीचा। तो गाइस अभी अपन भी इसको सामने एंटर करते हैं, पता नहीं क्या है क्या ही होगा, इसको डर लग रहा है। हम देखते क्या है इसमें, चलो गुफा के अंदर देखो, अच्छे अच्छे मार्बल का प्रयोग किया गया है, बट यहाँ पर लाइटिंग नहीं है, तो मैं दोबारा आपको लाइट में दिखाता हूँ। मुझे सच में पता नहीं है, अलग से स्मेल आ रही है धूप की। ये मंदिर नहीं आश्रम बोल सकते हैं हम इसे, बहुत सारे मतलब पंडित क्या बोले पंडित पंडित बहुत सारे पंडित यहाँ पर हैं। देखो यहाँ पर अनंत प्रकार के बाबाओं ने अपना सहयोग दिया है। पब्लिक देखो पहले, एक बात ना कॉमन है, यदि आप इतनी भीड़ में अगर कैमरा लेकर के चल रहे हो और आपको लोग ना मतलब कैसे मतलब घूम घूम करके देखते हैं ऐसे करके, क्या क्या ये क्या गया मतलब भीड़ की मात्रा बहुत ज्यादा है, जनसंख्या बहुत यहाँ पर, लोग भाई देवताओं से ज्यादा तो भाई अपने मतलब एक दूसरे के चरणों में डोब दे रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं। यहाँ पर ये देखो हवन किया जा रहा है नाकाम भाई बहुत ज्यादा। भाई मैंने सुना है कि एक यहाँ पे बैठेगा ना जो बंदा, वो एक आदमी 31,000 रुपए देगा। भाई यार ये कौन सा नियम है यार, पेंट पजामे अलाउ नहीं है अंदर, हमको बाहर निकाल दिया, संविधान बनाया गया है हमको बाहर निकाल दिया गया, मतलब अच्छी बात है अच्छी बात। देखो हमें ना वहाँ से हम यहाँ पर जाने की सोच रहे थे, बट हमें बाहर निकाल दिया गया, हमें निकाल दिया गया। भाई अंदर से दिखाऊंगा आपको, देखो ये कैसे लकड़ियों द्वारा रोका गया, पता नहीं क्यों क्यों रोका इसे लकड़ियों से, लकड़ी उड़े नहीं यार, इतनी सी बात तो मैं बता सकता था, बट तो कोई अच्छी बात हो इतनी तो हमें पता नहीं, तो बचाव के लिए तो कुछ चाहिए ना। हाँ भाई ये भी हो सकता है बरसात से बचने के लिए, ये क्या ज्यादा कुछ नहीं है, मेरे ना दर्द हो रहा है यहाँ पे सिर में, सिर का दर्द तो थोड़ा थोड़ा कम हो गया। यहाँ पर रामलीला होती है देख लो, जय श्री राम। अभी ना हमें यहाँ पर घूमते घूमते भाई शाम हो चुकी है, आप देख लो मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो हॉस्पिटल भी चलेंगे, तो निकलते हैं यहाँ से। देखो गाइस अभी ना जस्ट हॉस्पिटल से मैंने दवाई ली थी मेडिकल से, तो वहाँ पे ना उसको मैंने बोला कि सिर में दर्द हो रहा है, फिर उसने ना मेरे को 5 रुपए की ये 2 गोलियाँ दी, फिर मैंने 10 का उसे नोट दिया, फिर उसने मेरे को एक और गोली दे दी भाई ऐसे ही ये वाली, ऐसे बोला खाली पेट में ले लेना। यार मेरे 5 रुपए गए, फिर मैं कुछ बोला भी नहीं, मैं तो बस वापस अपनी गोलियाँ लेकर के आ गया। अब सच्ची बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है, इधर की साइड हो रहा है यहाँ पे, एंड मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है।